नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश में शीघ्र ही नए डीजीपी पुलिस महानिदेशक को तैनात किया जाएगा। चूंकि वर्तमान डीजीपी मनोज यादव ने प्रदेश के गृह सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र लिखकर उन्हें डीजीपी पद से रिलीफ पदमुक्त करने की बात कही है, ताकि वे वापस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर एडिशनल डायरेक्टर अतिरिक्त निदेशक ज्वाइन कर सके। 188 बैच के आईपीएस हैं और उनकी हालांकि अभी 4 वर्ष की आईपीएस सेवा शेष है। हरियाणा के राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज के दिल्ली दौरे के दौरान शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद प्रदेश में बदले ये घटनाक्रम भी कुछ ऐसा ही इशारा करते दिख रहे हैं। हालांकि डीजीपी मनोज यादव अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विशेष कृपा पात्र रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज यादव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 माह पूर्व 2 मार्च 2021 को उनके प्रदेश पैरेंट कैडर हरियाणा में 20 फरवरी 2021 से एक वर्ष या आगामी आदेशों जो भी पहले हो तक के लिए एक्सटेंशन प्रदान किया था। इससे पहले हरियाणा सरकार ने जनवरी 2021 में ही उन्हें 20 फरवरी 2021 के बाद अगले आदेशों तक एक्सटेंशन देने का आदेश जारी किया था। फरवरी 2019 में मनोज यादव को जब हरियाणा का डीजीपी तैनात किया गया था, तब वो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में हार्डकोर अधिकारी के तौर पर एब्जॉर्ब हो चुके थे और अतिरिक्त निदेशक पद पर थे। मौजूदा आईपीएस टेन्योर कार्यकाल पॉलिसी के अनुसार आईबी के हार्डकोर अधिकारी को गैर गृह राज्य में केवल इंटेलिजेंस या सुरक्षा संबंधी पद पर ही डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। अब क्या मनोज यादव को हरियाणा प्रदेश का डीजीपी तैनात करने के लिए उक्त पॉलिसी में कोई ढील दी गई थी? इस बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत ने इसी वर्ष मार्च में केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय में आरटीआई दायर कर सूचना मांगी थी, परंतु उन्हें यही जवाब दिया गया है कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त पॉलिसी के अनुसार आईबी का हार्डकोर अधिकारी जो डीजी महानिदेशक लेवल का हो, उसकी राज्य सरकार में किसी भी पद पर प्रतिनियुक्ति तैनाती ही निषेध है। इसी वर्ष फरवरी 2021 में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से यादव को डीजी रैंक में एम्पैनल्ड किया गया है। अब इसके बावजूद क्या मार्च माह में हरियाणा का डीजीपी कायम रहने के लिए केंद्र सरकार ने पॉलिसी में ढील दी? इस बारे में ही आरटीआई में कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एडवोकेट हेमंत का कहना है कि 18 वर्ष पूर्व फरवरी 2003 में मनोज यादव आईबी में बतौर प्रतिनियुक्ति पर गए थे, जहां उन्हें समय समय पर केंद्र सरकार की ओर से एक्सटेंशन प्राप्त होती रही। इसी दौरान वे असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर पद पर आसीन रहे थे। फरवरी 2019 तक 16 वर्षों तक आईबी में उक्त पदों पर रहने के बाद उन्हें 2 वर्षों के लिए 20 फरवरी 2021 तक हरियाणा का पुलिस प्रमुख डीजीपी तैनात किया गया था। आईबी में रहते हुए यादव आईबी में हार्डकोर अधिकारी के तौर पर भी शामिल कर लिए गए थे। एक बार आईबी में हार्डकोर अधिकारी बनने के बाद संबंधित आईपीएस अधिकारी को सामान्यतः उसके राज्य कैडर में नहीं भेजा जाता है। एडवोकेट हेमंत का कहना है कि वर्तमान में मनोज यादव के अतिरिक्त हरियाणा में 5 आईपीएस डीजीपी बनने योग्य है। 1988 बैच के पी के अग्रवाल, 1989 बैच के मोहम्मद अकील, आरसी मिश्रा, 1990 बैच के शत्रुजीत कपूर, देशराज सिंह, 1991 बैच के आलोक कुमार रॉय और एसके जैन भी हालांकि आईपीएस में 30 वर्ष पूरे कर चुके हैं, परंतु उन्हें अभी तक डीजीपी रैंक में प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए उनकी योग्यता पर संशय है। 1984 बैच के एसएस देशवाल और 1986 बैच के सिंधु दोनों अगस्त 2021 में रिटायर होंगे, इसलिए दोनों योग्य नहीं बनते। जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यूपीएससी की ओर से योग्य आईपीएस अधिकारियों के बनाए गए पैनल में राज्य सरकार अपनी पसंद का अधिकारी उसे प्रदेश का डीजीपी तैनात कर सकती है। चंडीगढ़ से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।